हेलो एवरीवन, वेरी वॉम वेलकम टू गुरुमंत्र अकेडमी। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम अर्पित चतुर्वेदी एंड हेयर आई एम विद अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ ईयर 2016 ऑफ बायोकेमिस्ट्री। सो ऑल यू गाइस नो दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक दिस सेशन एज प्रैक्टिस सेशंस। लाइक जस्ट यू हैव टू कीप योर पेन एंड नोटबुक रेडी विद यू एंड एट द एंड ऑफ द सेशन जस्ट कीप राइटिंग दी करेक्ट आंसर दैट यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू इज एंड एट द एंड ऑफ द सेशन वॉट यू विल गेट इज योर स्कोर दैट यू आर गेटिंग इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। लाइक हेट्रोलॉगस एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ जेनेटिक कोड इज। हेट्रोलॉगस एक्सप्रेशन जो GFP प्रोटीन का या GFP का हम लोग देख पाते हैं तो वो किसकी मदद से हो पाता है, मतलब जेनेटिक कोड की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हमको GFP का हर जगह एक्सप्रेशन देखने को मिल सकता है। एंड दैट इज़ यूनिवर्सल, क्योंकि कोडॉन जो है, जो जेनेटिक कोड है, वो सब जगह यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म में सिमिलर अमाइनो एसिड को ज़्यादातर कोड करते हैं। सो फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज वॉज इंक्यूबेटेड विद 0.2 मोलर ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ऑन रीचिंग इक्विलिब्रियम 55% ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट वॉज कन्वर्टेड टू फ्रेक्टोज 6-फॉस्फेट द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू फ्रेक्टोज 6-फॉस्फेट। ओके, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का कितना कंसंट्रेशन था हमारे पास, 0.2 मोलर। ओके, 0.2 मोलर। अब 55% इसका कन्वर्ट हो रहा है, तो हम सबसे पहले 55% ले लेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, फ्रेक्टोज 6-फॉस्फेट। रिएक्टेंट क्या है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। 55% कन्वर्ट हो गया है इक्विलिब्रियम पे, यानी कि फ्रेक्टोज 6-फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन अभी क्या होगी इक्विलिब्रियम पे, 55% ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, डेट वुड बी 0.11। तो 0.11 कन्वर्ट हो गया है, 0.2 से माइनस करेंगे तो रिएक्टेंट यानी कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कितना बच जाएगा, 0.9। तो 0.11 डिवाइड बाय 0.9 हमको हमारा आंसर दे देगा, एंड दैट इज 1.2222 आएगा। अब इसको आप राउंड में राउंड 2-3 या 2-4 कर सकते हैं। ओके, तो 1.22 अराउंड, तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। हाइड्रोलिसिस ऑफ अ पेप्टाइड इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ विच बॉन्ड। ठीक है, कौन से एटम्स के बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक किया जाता है जब पेप्टाइड बॉन्ड टूटता है। तो बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है, CONH लिंकेज। तो अगर हम देखें तो सी अल्फा से जुड़ा हुआ होता है हमारा COOH एक उसमें, और दूसरे में NS से जुड़ा होता है सी अल्फा से हमारा, उसके बाद इधर कार्बन होता है। तो सी अल्फा एन और सी अल्फा सी, ये दो बॉन्ड ऐसे हैं जो ब्रेक नहीं होते। ये जो सी ओ एच और एन के बीच का बॉन्ड बनता है, यहाँ से ये वाटर रिमूव होता है, और ये जो सी एन के बीच का बॉन्ड बनता है ये ब्रेक होता है। तो बेसिकली द करेक्ट ऑप्शन बी एन एंड सी। ठीक है, सी अल्फा सी नहीं होगा क्योंकि वो ये बॉन्ड है, और एन सी अल्फा नहीं होगा क्योंकि वो ये बॉन्ड है। एन सी अल्फा के बीच का बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, फाई, और सी अल्फा सी के बीच के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, साई। ओके, इंटर कन्वर्जन ऑफ UDP ग्लूकोज टू UDP गैलेक्टोज इज कैरेक्टराइज बाय। ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के क्या हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के एपीमर हैं। एपीमर यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कि मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री में किसी सिर्फ एक कार्बन पे डिफर करें, तो एपीमर इस एंजाइम की मदद से ये कन्वर्ट करे जा सकते हैं। देन जेल फिल्ट्रेशन प्रोफाइल करस्पॉन्डिंग द एक्टिविटी ऑफ अ प्योर एंजाइम आर शोन इन फिगर बिलो। द सेम एंजाइम सैम्पल्स ऑन HDS पेज रन्स एज अ 30 किलो डाल्टन पॉलीपेप्टाइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। कि अगर हमको देखने मिल रहा है जेल फिल्ट्रेशन प्रोफाइल जो है हमारे सामने निकल के आ रही है एंजाइम की, प्योर एंजाइम की,
और जब हम सेम एंजाइम को रन कर रहे हैं किस पे, एस जी एस पेज पे, तो हमको पता चल रहा है कि एक 30 किलो डाल्टन की पॉलीपेप्टाइड है। तो हमको इससे क्या देखने को मिलेगा? तो बेसिकली अगर हमको ऐसा देखने को मिल रहा है, एस डी एस पेज पर अगर हमको एक से ज़्यादा बैंड मिलते, 30 किलो डाल्टन ना मिलता, तो हमें पता चलता है ये ढेर सारे मोनोमरिक यूनिट से बना है। लेकिन यहाँ पे एक्टिव मोनोमर जो है हमारा, वो एक ही है, हम यहाँ से मतलब वो कर सकते हैं। तो एंजाइम इज दी एक्टिव ओनली एज अ मोनोमर। देन अमाइनो एसिड रेजिड्यूज प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व इन अ प्रोटीन डीएनए इंटरैक्शंस आर। प्रोटीन और डीएनए इंटरैक्शन में कौन से अमाइनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बेसिकली डीएनए पे कैसा चार्ज होता है? डीएनए पे चार्ज होता है निगेटिव। क्यों? क्योंकि डीएनए पे सरफेस पे फॉस्फेट्स रहते हैं और इस फॉस्फेट्स की वजह से डीएनए पे निगेटिव चार्ज रहता है। जाहिर सी बात है, कौन से अमाइनो एसिड रहेंगे? ऐसे अमाइनो एसिड जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो। ओके, और वो कौन कौन से होते हैं? लाइसिन, आर्जिनिन। ओके, दीज अमाइनो एसिड्स। सेलुलोज सर्व्स एज ए स्ट्रक्चरल पॉलीमर वेयर एज स्टार्च डज नॉट। दिस इज बिकॉज सेलुलोज कंटेन। सेलुलोज में ऐसा क्या है कि सेलुलोज जो है वो स्ट्रक्चरल पॉलीमर का काम करता है लेकिन स्टार्च नहीं करता? ओके, तो सेलुलोज की जो बॉन्डिंग है वो β-1,4 लिंकेज होती है और ये सेलुलोज एंजाइम से ही ब्रेक होता है और इसमें इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से सेलुलोज जो है वो स्ट्रक्चरल पॉलीमर का काम करता है, स्टार्च नहीं करता। देन मोलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लेबल 1, 2, 3 फॉर थ्री डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आर शोन बिलो। तीन अलग अलग अमाइनो एसिड के लिए जो हमारा मोलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है 1, 2, 3 वो शो किया गया है। अब आपको बताना है कि किसके लिए कौन सा है। बेसिकली छोटा सा मतलब हम ये कह सकते हैं कि छोटी सी फैक्चुअल नॉलेज है कि ये तीनों अमाइनो एसिड जो है, जो कि हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फेनिलएलनिन, ये अलग अलग मतलब वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम अपना शो करते हैं। तो अगर हम देखें तो ये एकदम 1, 2, 3 ऐसे है, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फेनिलएलनिन। ट्रिप्टोफैन हमारा शो कर रहा है मैक्सिमम यहाँ, और मतलब टायरोसिन एंड देन फेनिलएलनिन इज शोइंग अराउंड 270 तक। तो ये हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है। देन द फ्लूडिटी ऑफ अ फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन इंक्रीजेस व्हेन फैटी एसिड। फ्लूडिटी कब बढ़ जाती है? जब फैटी एसिड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं या जो हम फॉस्फोलिपिड्स यूज़ कर रहे हैं उसकी जो चेन्स हैं, कैसी चेन, जो आपस में उनका इंटरेक्शन कम हो जाए। अब उनका इंटरेक्शन कैसे कम होगा? एक तो हम उनकी लेंथ छोटी कर दें, ठीक है, और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बढ़ा दें, क्योंकि अनसेचुरेशन जब हम बढ़ाएंगे तो किंकिंग आएगी, यानी कि वो मुड़ जाएंगे। अगर नॉर्मल रहता है सेचुरेटेड तो ऐसे रहते हैं, जब अनसेचुरेटेड रहते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे के पास बाइंड नहीं हो पाएंगे। तो अनसेचुरेशन हम बढ़ा दें और चेन लेंथ को हम कम कर दें। तो बेसिकली चेन लेंथ कम करनी है हमें और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बढ़ानी है, तो हमारी जो फ्लूडिटी है वो बढ़ जाएगी। पॉलीपेप्टाइड्स आर बायोसिंथेसाइज ऑन द राइबोसोम्स इनसाइड द सेल। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड हम बनाते हैं राइबोसोम पे। केमिकल सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू मेरी फील्ड सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। ठीक है, इन बोथ द केसेस द पॉलीपेप्टाइड चेन इज एक्सटेंडेड वन अमाइनो एसिड एट अ टाइम। द डायरेक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस इज फ्रॉम। डायरेक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस बहुत ही ईजी है, आपको बताना है कि पहले कौन से टर्मिनस से शुरुआत होती है। तो जब राइबोसोम पे सिंथेसिस हो रही होती है तो एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस बनता है, यानी कि पहले एन टर्मिनल बनता है, और जब हम सॉलिड फेज पे यूज़ कर रहे होते हैं तो सी टर्मिनल पहले बनता है, बाद में एन टर्मिनल जो है वो बनता है। ओके, फोर ग्रुप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स आर गिवन बिलो। चूज द ग्रुप इन विच ऑल द कंपाउंड्स कंटेन एटलीस्ट वन बॉन्ड हुज डेल्टा जी नॉट हैव हाइड्रोलिसिस इज इक्वल्स टू और लेस देन -7.0 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, चार ग्रुप आपको मेटाबोलाइट के यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा बॉन्ड कंटेन है जो कि जिसके डेल्टा जी नॉट जो है हाइड्रोलिसिस का वो क्या हो, या तो कम हो या ऑलमोस्ट इक्वल हो -7.0 किलो कैलोरी पर मोल के। ओके, तो जो हमारा क्रिएटिन फॉस्फेट है, एसिटिल फॉस्फेट और सक्शनल कोएंजाइम ए, इसमें हमको ये चीज़ देखने को मिलती है। देन डेल्टा जी नॉट फॉर द मैलेट डिहाइड्रोजनेज
कैटेलाइज स्टेप क्रैप साइकिल प्लस 7.1 किलो कैलरी पर मोल प्लस 7.1 यानी कि हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है। नेवर लेस द कन्वर्जन ऑफ मेलेट टू ऑक्सलेट स्टेट इन व्यू प्रोसीड्स स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली सब हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी हमको इसमें बाहर से देने भी नहीं पड़ रही है बल्कि एनर्जी यहाँ से निकल रही है। बिकॉज द सब्सिक्वेंट रिएक्शन डेट कंज्यूम ऑक्सलो एसिटेट हैज डेल्टा जी नॉट ऑफ। तो इसके डेल्टा जी नॉट वैल्यू हमको बतानी है, जाहिर सी बात है माइनस होगी तो ये गया ये गया। अब अगर प्लस 7.1 किलो कैलोरी यहाँ पे हमको देनी पड़ रही है तो यहाँ पे भी हमको क्योंकि एटीपी सिंथेसिस होती है तो हमको उतनी ही मिलेगी भी, दैट इज माइनस 7.7 किलो कैलोरी पर मोल। व्हेन फ्रेशली आइसोलेटेड इंटैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया वर इंक्यूबेटेड विद एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नीदर द ऑक्सीजन कंजम्पशन नॉर द एटीपी सिंथेसिस कुड बी डिटेक्टेड। एडिशन ऑफ सक्सिनेट रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन एज वेल एज एटीपी सिंथेसिस विद टाइम। सब्सिक्वेंट एडिशन ऑफ साइनाइड टू दिस सिस्टम विल रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। काफी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। मतलब सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कहा जा रहा है कि अभी इसमें एडीपी प्लस पीआई दिया हुआ है आपको, ठीक है, और ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है लेकिन ना ही ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है और ना ही एटीपी प्लस पीआई जो है वो एटीपी में बदल रहा है। लेकिन जब हम इसमें सक्सिनेट यूज करते हैं या सक्सिनेट की एंट्री कराते हैं तो ऑक्सीजन कंजम्पशन भी शुरू हो जाता है और एटीपी फॉर्मेशन भी शुरू हो जाता है। अब अगर हम इसमें साइनाइड की एंट्री करा दें तो क्या फर्क पड़ेगा इन सारी चीज़ों पे? साइनाइड आपको पता है क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसको रोक देता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन यहाँ पे बंद होना चाहिए। ओके, सो बोथ ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड एटीपी सिंथेसिस आर इनहिबिटेड व्हेन साइनाइड एंटर्ड। दी 3 micrograms of circular plasmid of 4200 base pairs was digested with a restriction enzyme and subjected to agarose gel electrophoresis. 5 DNA fragments of different sizes were observed and their size summed up to be 4200 base pairs. The number of picomoles of DNA ends generated after complete digestion with the enzyme is. आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बेसिकली इतना ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। डायरेक्ट 4200 को 660 डाल्टन यहाँ पे आपको दिया है, बहुत सारे बच्चे 660 से कर देंगे। 660 बेस पेयर का है, इसको सिंगल बेस से डिवाइड करो तो उसको हम 330 से करेंगे और हमारे पास 4200 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, दैट वुड बी बिटवीन 10 to 11। ओके, एन एंजाइम वॉज प्योरीफाइड यूजिंग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड द रिजल्ट आर शोन इन द टेबल बिलो। सेल एक्सट्रैक्ट डी ए ई सिफेसल, ठीक है, तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि एंजाइम हमने क्या किया, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की मदद से प्योरीफाई किया है और रिजल्ट्स हमको टेबल में देखने को मिल रहे हैं। वॉल्यूम 8000 ml, टोटल प्रोटीन 400 mg और टोटल एक्टिविटी 800 यूनिट। देन डी ए ई सिफेसल में 10 ml हमको देखने को मिल रहा है, 2 mg प्रोटीन है और 200 यूनिट एक्टिविटी हमको देखने को मिल रही है। तो इन डेटा से हमको क्या समझ में आ रहा है, यानी कि प्योरीफिकेशन कितने फोल्ड हुआ और कितने परसेंट ईल्ड जो है वो हमको एंजाइम की देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे इसको तो 50-fold प्योरीफिकेशन हुआ, जो हम देख रहे हैं 8000 में 400 ग्राम था और 10 ml में 2 ग्राम है और 25% ईल्ड जो है वो हमको देखने को मिल रही है, 800 to 200। आपको सीधे सीधे यहाँ से 2500 इसका 25% ये है। ओके, देन एस्पार्टेट रेजिड्यूज आर फाउंड इन द एक्टिव साइट्स ऑफ मेनी एंजाइम्स। द पीकेए ऑफ द बीटा कार्बोक्सिलेट ऑफ एस्पार्टेट इज 3.86। एट फिजियोलॉजिकल पीएच दिस ग्रुप कैन फंक्शन एज, फिजियोलॉजिकल पीएच यानी कि 7, तो पीएच 7 पे ये ग्रुप कैसा काम करेगा? ओके, तो फिजियोलॉजिकल पीएच पे ये मतलब इस ग्रुप के ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए, इस ग्रुप के चार्ज होना चाहिए नेगेटिव और ये एक काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफाइल यानी कि पॉजिटिव चार्ज लवर और एक कॉन्जुगेट बेस की तरह। देन
Kinetic parameters for the enzyme fumarase with three different substrate are given below: fluorofumarate, fumarate and chlorofumarate. हमारे पास Km values हैं और Kcat values हैं. The specificity of fumarase for these substrates decrease in the order. अगर हम specificity की बात कर रहे हैं तो specificity में सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या जाती है, affinity. और affinity हम कहाँ से निकालते हैं, Km से. ठीक है, जितना कम Km होता है उतनी ज़्यादा एफिनिटी होती है. ठीक है, जितना कम Km होता है उतनी ज़्यादा एफिनिटी होती है. अब एफिनिटी उसी के लिए ज़्यादा होगी जो कि स्पेसिफिक होगा. एंजाइम की एक खास बात है तो फ्यूमरेट वुड बी दी फर्स्ट. फ्यूमरेट सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होगा, फ्यूमरेट के लिए सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होगा. तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया. अब उसके बाद अगर हम देखें तो फ्लोरोफ्यूमरेट है हमारे पास 27 और क्लोरोफ्यूमरेट है 111. तो फ्लोरोफ्यूमरेट देन क्लोरोफ्यूमरेट, द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी. अ पॉलीपेप्टाइड विद द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ए जी के पी डी एच ई के ए एच एल वॉज डिजॉल्व इन अ बफर ऑफ पी एच 1.8. द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ द पॉलीपेप्टाइड विल हैव अ नेट चार्ज ऑफ, पी एच हमने क्या लिया हुआ है 1.8. ठीक है, हमारे पास आर्जिनिन, ग्लाइसिन, लाइसिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड, हिस्टिडीन, एस्पार्टिक एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, ये सभी अमाइनो एसिड्स हैं. तो इनकी फिजियोलॉजिकल पीएच पे हम जब इनका मतलब चार्ज देखेंगे, जो कि आप बहुत इजीली कर सकते हो, मैं हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट आपको नहीं बता सकता यहाँ पे, तो हमारा जो नंबर निकल के आएगा दैट विल बी +5. इसमें कोई भी टेंशन नहीं होगी, हमको पता है कि अगर पीएच 1.8 है, ठीक है, अगर पीएच जो है वो 1.8 है तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन यानी कि H+ आयन कंसेंट्रेशन ज़्यादा रहेगी. तो जितने भी PI यानी कि अपनी PK वैल्यू से कम होंगे उनके COO जो हैं वो COOH के फॉर्म में रहेंगे यानी कि एसिड की फॉर्म में, और NH2 जो है वो NH3+ की फॉर्म में रहेंगे. तो यहाँ पे ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज हमको देखने को मिलेगा. ओके, इसीलिए +5 निकल के आ रहा है. इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई भी कठिनाई इसमें नहीं आएगी. द इंटरनल हिस्टिडीन टैग्ड प्रोटीन ऑफ मॉलिकुलर वेट 40 kDa वॉज प्योरीफाइड यूजिंग NINTA कॉलम. दिस प्रोटीन सैंपल वॉज सब्जेक्टेड टू SDS पेज अ वेस्टर्न ब्लॉट ऑफ द सेम यूजिंग एंटी हिस्टिडीन एंटीबॉडीज इज शोन बिलो. 60 kDa, 40 kDa, 30, 20, 10. ओके, तो ये हमको देखने को मिल रहा है. द वॉट वुड विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन वुड बी करेक्ट. सो अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो 20 kDa डोमेन है, इंटरनल 20 kDa डोमेन, वो प्रोटीन का मतलब स्टेबल पार्ट है. तो स्टेबल हैज अ द प्रोटीन हैज अ स्टेबल एंड टर्मिनल 20 kDa डोमेन, जो कि हमको सीधे सीधे पता चल रहा है इस डायग्राम से. देन द सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड दैट फॉर्म्स अ ट्रांस मेम्ब्रेन हीलिक्स. ट्रांस मेम्ब्रेन हीलिक्स यानी कि कैसे अमाइनो एसिड्स हमको चाहिए, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स. होता क्या है कि आपका जो लिपिड बाइलेयर होती है उस लिपिड बाइलेयर के बीच में अराउंड 20 to 22 अमाइनो एसिड की एक हेलिक्स बन जाती है, या इतने अमाइनो एसिड अगर हो तो सफिशिएंट होते हैं एक हेलिक्स बनाने के लिए, ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स बनाने के लिए. तो हमको इनमें से कौन सा पार्ट ऐसा देखने को मिल रहा है जिसमें सभी अमाइनो एसिड हाइड्रोफोबिक हैं और वो हेलिक्स बनाने के या ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन के बनाने के काम आ सकते हैं. तो बेसिकली जब हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो E15 है हमारा, मतलब यहाँ से अब नंबर ये के लिए अब दिए गए E15 जो हमको देखने में 11, 12, 13, 14, 15. ओके, यहाँ से लेके जो हमारा क्या देखने को मिल रहा है हमको A34 तक, यहाँ तक का जो रीज़न है ये हमको ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स बनाने के काम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे सभी अमाइनो एसिड जो हमको देखने को मिल रहे हैं ज़्यादातर वो कैसे हैं, वो हमारे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड हैं और इनके जो टर्मिनल हैं वहाँ पे हमको चार्ज अमाइनो एसिड देखने को मिल रहे हैं जो कि इसका मतलब स्पैनिंग रीजन को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास. विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.